हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील के एलॉय के बारे में। जनरली स्टील जो होता है वो एक आयरन का एलॉय होता है, और आयरन में अलग अलग मेटल को हम ऐड करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी एलॉय की वीडियो को जाके ज़रूर देख लें, जिसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टील का सबसे पहला एलॉय है, जिसे हम कहते हैं स्टेनलेस। ठीक है, इसमें कोई भी स्टेन नहीं होता। अब आप ये सोचते होंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टेन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेन मतलब होता है दाग। ओके, और लेस स्टील मतलब इस पर कभी भी दाग नहीं लगता, मतलब ये स्टेन रेजिस्टेंट है। ठीक है, चलिए हम इसके कॉन्टेंट को देख लेते हैं। तो इसमें जो आयरन होता है वो 73% होता है। देखिए, आयरन तो सब में होगा क्योंकि ये अलॉय ही हम पढ़ रहे हैं स्टील का, जिसमें आयरन इज़ अ बेस मेटल आप कह सकते हैं। और इसके अंदर होता है क्रोमियम जो कि चमक देता है। ठीक है, और कार्बन होता है 1% जो कि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो होता है ये कोरोजन को रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें कोरोजन नहीं होता। सर, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? कोरोजन मतलब रस्ट का लगना, जिसे हम हिंदी में जंग भी कहते हैं। ओके, तो इसमें कोरोजन बिल्कुल भी नहीं लगता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि तो फिर इसका पर्पज़ क्या है? तो इसे हम यूज़ करते हैं यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने में, और साइकिल। साइकिल पता है हम मॉर्निंग में राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसे उसके पार्ट्स या पूरी साइकिल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स, गाड़ियाँ बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और कुछ मेटालिक पेन बनाने में भी, जैसे आपने अपने चाइल्डहुड में कुछ पेन यूज़ की होंगी लिखने के लिए जो कि मेटल से बनी होती है, तो वो स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, स्टेन का मतलब होता है दाग और लेस मतलब रेजिस्टेंट। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे एलॉय पे, दैट इज़ निकल स्टील। निकल स्टील मतलब क्योंकि इस स्टील में निकल भी होता है, बट उसका जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 से 4% इतना ही होता है। ये भी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें भी कोई कोरोजन नहीं लगता। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये हार्ड होता है और इलास्टिक। अब क्वेश्चन आता है इलास्टिक मतलब क्या? सिंपल, यहाँ पे अब इसे हैमरिंग करके अब इसे फैला सकते हैं, बट जो इसका फैलाने के बाद भी जो पार्ट मिलेगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होगा, इसीलिए हम इसमें हार्ड लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका यूज़ ऑटोमोबाइल बनाने में होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑटोमोबाइल, क्योंकि जो व्हीकल होते हैं उनके पार्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, और एरोप्लेन के पार्ट, जी हाँ, एरोप्लेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है जब वो ऊंचाई पे होता है, एरोडायनामिक प्रेशर। ठीक है, और केबल बनाने के लिए यूज़ होता है। केबल आपने देखा होगा, मोटी मोटी केबल्स जो होती हैं वो रास्तों के नीचे से डाली जाती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो मेटल होता है वो जनरली निकल स्टील का होता है, जिसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट आता है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील, तो आप देख रहे हैं क्रोम स्टैंड्स फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रोमियम। ओके, और क्रोमियम का नाम जो क्रोम है वो पड़ा है उसकी चमक की वजह से, क्योंकि क्रोमियम मतलब होता है द वन विच शाइन्स, द वन विच शाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोम स्टील है। यहाँ पे भी आयरन का कंटेंट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, और जो क्रोमियम है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 2 से 4%। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ? सपोज मैंने इस एलॉय की एक ऐसी रॉड बना दी ऐसे, और यहाँ पे कोई बड़ा सा वेट ऐसे उसको अटैच कर दिया, तो ये जो रॉड मैंने बनाया है, ये मैं उसे अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है ये उसके वजन को सह सकता है। मतलब ये जो रॉड मैंने बनाई थी वो इस वेट को सह सकता है, मतलब इट कैन विदस्टैंड दिस वेट, मतलब इतना वेट वो झेल सकता है बिना उस पर कोई फ़र्क पड़े, तो इसी को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो वेट को झेल सके, वेट को विदस्टैंड कर सके। ओके, अब इसका यूज़ क्या होता है? इसे हम कटिंग टूल्स में यूज़ करते हैं, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को कट करने के लिए जो डिवाइसेस आपको लगती हैं, या फिर मेटल को ही काटने के लिए जो आपको डिवाइसेस लगेंगी उसमें हम क्रोम स्टील यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रशिंग मशीन। क्रशिंग क्रशिंग मतलब जैसे दो मेटालिक सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है और ये नीचे वाला सरफेस है, और इसके बीच में जो कुछ भी आएगा वो क्रश हो जाएगा। तो ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए भी हम क्रोम स्टील का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इनवर। इनवर बहुत ही फेमस है, बहुत सारी एग्जाम में आया है इसके एंटिक नाम के वजह से, ठीक है। तो इनवर में IN है, वो शॉर्ट फॉर्म है आयरन का, ठीक है। और इसमें एज जो सेकेंडरी मेटल होती है इस अलॉय में वो होती है निकल। तो आयरन का परसेंटेज आप देख सकते हैं, इसमें आयरन का जो परसेंटेज है वो 64% है और निकल 36% है। मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस में जनरली परसेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। IIT JEE की अगर मैं बात करूँ तो आपको बकायदा सिर्फ मेटल कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए, और कौन मेजर होता है और कौन माइनर होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है। बट फिर भी अगर याद हो जाए तो अच्छा ही है। अब आगे देखते हैं हम इसका, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन? जनरली होता क्या है, अगर कोई आपने मेटल लिया है और उसे आप गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए ये मेटल है और इसे आप गर्म कर रहे हैं, तो ये फूल जाता है थोड़ा सा, मतलब आई मीन टू से इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसको हीट देने पे इसकी थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। कितना एक्सपेंड ये हो सकता है, तो आप देख रहे हैं इनवर का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मतलब ये एक्सपैंड नहीं होता, जो कि इसकी स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है घड़ी बनाने में, वॉचेस, मीटर स्केल। मीटर स्केल मतलब नापने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसमें, और पेंडुलम रॉड। पेंडुलम आपने देखा होगा जो ऐसे लटकते रहता है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ऐसे मोशन दिखाते रहता है टू एंड फ्रो टाइप का, ठीक है। तो ये था इनवर के बारे में डिटेल्स। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टील के अलॉय की, जिसका नाम है अल्निको। और अल्निको में आप देख रहे हैं जो बेस मेटल है वो अभी भी आयरन ही है, ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि हम स्टील की अलॉय को पढ़ रहे हैं। अब आगे देख रहे हैं जो नेक्स्ट मेटल है वो है निकल, और निकल का जो परसेंट है वो है 20%, और एल्यूमिनियम है अप्रॉक्सीमेटली 12%। ओके, और जो कोबाल्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है 8%, ठीक है। अब इस एलॉय के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसका नाम याद रखना काफ़ी ही सिंपल है, तो आप कहीं पे भी अगर ये स्टील एलॉय आए तो आप इसे तुरंत पहचान सकते हैं। कैसे? ज़रा नाम को ध्यान से देखिए, ये सिंबल से ही बना दिया गया है, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट। और इसमें जो बेस मेटल है जो सबसे ज़्यादा है वो है आयरन, ऑब्वियसली आयरन तो होगा ही क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि हम स्टील अलॉय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अलॉय होता है ये हाईली मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? हाईली मैग्नेटिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक? अगर इसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, मतलब इनके जो डोमेन है, इनके जो डोमेन है वो परमानेंटली अलाइन होते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये डोमेन क्या होता है, तो जी अब मैं केमिस्ट्री की भाषा यूज़ कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी सुनने में तकलीफ़ हो सकती है, प्योर केमिस्ट्री। तो मेटल आयन का जो ग्रुप होता है, मेटल आयन का जो ग्रुप होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जितने भी मेटल आयन हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप को डोमेन कहेंगे, और वो सारे अलाइन होते हैं, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और वो कभी भी कैंसिल नहीं होता। तो जैसे ही आप ये सब्सटेंस को, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको सपोज़ आपने फ्रेशली बनाया और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, तब तक तो ये डोमेन सपोज़ रैंडम होंगे, कोई इधर होगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। पर जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे ये सारे क्या हो जाएंगे? अलाइन। और इवन मैग्नेटिक फील्ड से निकालने के बाद भी ये परमानेंटली अलाइन ही रहेंगे, मतलब दे आर हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टिल देयर एग्जिस्टेंस। जब तक ये अलॉय रहेगा तब तक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
रहेगी, और इसीलिए हम इसे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा किसकी तरह काम करें, मैग्नेट की तरह। तो ये पांच जो अलग अलग अलॉय थे स्टील के, आपको याद होना चाहिए, आईआईटी जेई एम्स जैसी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और डाउट है तो उसे भी ज़रूर बताइए। आई होप यू एन्जॉयड द लेक्चर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।